हेलो स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे आपके बी कॉम थर्ड ईयर का एक पेपर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे जो कि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे और क्वेश्चंस आपको इसी में से देखने को मिलेंगे। तो एग्ज़ाम से पहले इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर देख कर जाएँ। देखिए, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की इस पेपर की हम बात करें तो मैक्सिमम जो होते हैं इंपॉर्टेंट जैसे चैप्टर्स हो गए आपके फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और आपके रेशियो एनालिसिस, बेसिकली ये तीन जो होते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। और जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है वो आपके 20 मार्क्स में आ सकते हैं, प्लस 4 मार्क्स में आपके जैसे हो गए पीवी रेशियो क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, तो सेल्स बजट क्या होता है, कैश बजट क्या होता है, इन सारी चीज़ों पर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाले हुए, वहाँ से भी आप देख कर आप रिविज़न कर सकते हो। ठीक है, देखिए पहले हम समझेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका पहला ही चैप्टर और इसमें से क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स से ज़रूर देखने को मिलेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है, ये भी आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। देखिए, अगर हम बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसी अकाउंटिंग होती है जिसका काम ही होता है मैनेजमेंट की हेल्प करना। मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करके फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डिसीजंस लिए जाते हैं, ताकि किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम क्या करें, अचीव करने की हेल्प की जा सके, साथ ही प्लानिंग और कंट्रोलिंग भी की जा सके। मतलब अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिंपल में समझे, वो क्या होता है कि अकाउंटिंग होती है जिसका काम ही होता क्या होता है, मैनेजमेंट की हेल्प करना। हम जब फाइनेंशियल अकाउंट बनाते थे तो उसमें हम क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चलता था कि साल के अंदर हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ठीक है, उसी तरह क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में ही प्रिपेयर करते थे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यहाँ मैंने एक डिफिनेशन लिखी है कि ये क्या करता है, फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करके फ्यूचर के लिए जो भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं उसे लिए जाते हैं। यहाँ मैंने एक डिफिनेशन लिखा है कि द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन अ सच अ वे टू असिस्ट मैनेजमेंट इन द क्रिएशन ऑफ पॉलिसी एंड द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ एन अंडरटेकिंग। मतलब यही हुआ कि क्या होता है कि ये इंटरनल पर्पज़ के लिए की जाती है, जो कि अंदर के रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, मीन्स इसलिए बनाई जाती है कंपनी अपने आप क्या आ सके, अपने आप को इम्प्रूव कर सके और बेसिकली कंपनी की परफॉर्मेंस को क्या कर सके, बूस्ट करके उसे स्मूथ बना चलाने के लिए की जाती है। ठीक है, तो यही होता है क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ये डिफिनेशन। तो यही कहा कि इस तरह हम अकाउंटिंग को प्रेजेंट करें ताकि उसमें जो कि मैनेजमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं और जो भी डेली टू डेली ऑपरेशंस है उसको लिया जा सके। नेक्स्ट बात करेंगे अगर हम नेचर की, एग्ज़ाम में आपको डिफिनेशंस जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की दो डिफिनेशन लिखनी है, जिसमें कि आपको किस ऑथर ने दिया और प्लस क्या उसकी मीनिंग को एक्सप्लेन करना, इस तरह आपको पेपर्स में लिखने हैं ताकि अच्छे नंबर आप उससे गेन कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम नेचर की बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, भाई नेचर क्या होती है, प्रकृति क्या होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की नेचर की बात करें, इसको नेचर को हम फीचर्स भी कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें से नाम से। तो देखिए, प्रकृति में पहला दिया है कि प्रोवाइड्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मीन्स लेखांकन जानकारी प्रदान करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, ये क्या करता है, अलग अलग लेवल्स पर मैनेजमेंट को इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, मींस ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होती है और हम इसमें इंफॉर्मेशन को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है जैसे मैनेजर्स को ज़रूरत होती है। इसमें क्या होता है, डाटा को कलेक्ट किया जाता है, अलग अलग पॉलिसीज़ के बेसिस पर डिसीजंस लिए जाते हैं, तो ये सब इससे क्या होता है, प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके। दूसरा इसका नेचर क्या कहता है, कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस, कारण एवं प्रभाव विश्लेषण। इसका मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो कॉज एंड इफेक्ट रहता उनके सब्जेक्ट्स पर चर्चा की जाती है, मतलब उसका विश्लेषण, उसका एनालिसिस किया जाता है कि अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसका पता लगाया जाता है और किस वजह से हो रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट जो होते हैं उनसे क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। तो इस तरह कॉज एंड इफेक्ट का पता लगाया जाता है। तीसरा, यूज़ ऑफ स्पेसिफिक टेक्निक एंड कॉन्सेप्ट्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम स्पेशल टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं, जैसे विशेष तकनीकी अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो डेटा को हम क्या करते हैं, उसको ज़्यादा यूज़फुल और स्पेशल टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब टेक्निक्स का यूज़ यहाँ पर जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, कंट्रोल अकाउंटिंग में, ये सारी चीज़ों में। ठीक है,
नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इसका नेचर है इंक्रीज इन इफिशियंसी, कार्यकुशलता में वृद्धि। कार्यकुशलता में वृद्धि का मतलब ये हुआ कि कार्यकुशलता में वृद्धि मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन का यूज़ हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इफ़िशियंसी को बढ़ाया जा सके और काम को अच्छे से किया जा सके, परफॉर्मेंस को क्या करें इम्प्रूव किया जा सके और काम अच्छे हो रहे हैं तो ठीक है। ये चीज़ कंसर्न्ड विथ फॉरकास्टिंग, भविष्यवाणी से संबंधित। भविष्यवाणी से संबंधित का मतलब ये हो कि जो फ्यूचर में जो प्लानिंग है, जो फॉरकास्टिंग है, उससे रिलेटेड होती है और साथ ही तरह तरह की पॉलिसीज़ को बनाने में क्या करता है ये हेल्प और गाइड किया जाता है। तो ये आपकी मैनेजमेंट की मीनिंग थी, उसकी डिफिनेशंस थी और फिर उसके बाद अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कार्य क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। पहला क्या होता, प्लानिंग करना। दूसरा होता प्लानिंग मतलब नियोजन करना, कोऑर्डिनेटिंग करना। दूसरा फंक्शन कंट्रोलिंग करना, उसको कम्युनिकेशन करना, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को लेना और डिसीजन मेकिंग। मतलब यही फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये जो इसका ये होता है फंक्शन कि वो क्या करता है, जैसे अगर हम बात करें इसमें वो डेटा को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, डेटा को वैलिडेट करता है, उसका इंटरप्रिटेशन करता है, उसको कम्युनिकेट करता है। तो ये सारी फंक्शंस, अगर फंक्शंस या ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसमें आपकी ये हो जाएगी। मतलब ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन में, कंट्रोलिंग में, कम्युनिकेशंस में, डिसीजन मेकिंग में, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। अगर इस पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो क्या इम्पॉर्टेंस है मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, क्या रोल है या सिग्निफिकेंस, ये भी कहा गया है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो एक टूल होता है मैनेजमेंट का। तो उसमें ये सारी चीज़ें आप डिस्क्राइब करोगे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि उसकी इफ़िशेंसी को बढ़ाया जाता है, प्रॉपर प्लानिंग ठीक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल बनाने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जैसे आपको देखना है। अब देखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज़ कहाँ कहाँ, इसका स्कोप कहाँ कहाँ है। तो इसका स्कोप आपने पढ़ा भी होगा, उसमें क्या कहते हैं कॉस्ट में, फाइनेंशियल में, बहुत जगह चीज़ें इसकी यूज़ होती हैं। तो इसका यूज़ होता है जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या, जैसे कि उसमें हम जब पोस्ट करते हैं लेजर अकाउंट में बैलेंस करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज़ होता है, स्कोप होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये। तीसरा होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग से ठीक है। और नेक्स्ट होता है बजटिंग जैसे फॉरकास्टिंग, मतलब इसका यूज़ क्या होता है, मतलब बजट जिसमें प्लान और पॉलिसीज़ बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब वो एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है जिसमें कि कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए और इफ़िशेंसी को बढ़ाया जाए। फिर होता है रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, मतलब रिपोर्टिंग जो होता है एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। अब इसको परफॉर्म किया जाता है दो लेवल पे, एक इंटरनल रिपोर्टिंग प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन को और एक्सटर्नल दोनों ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, उसकी डिफिनेशंस, उसके कहाँ कहाँ स्कोप हैं, उसके फंक्शंस, उसके ऑब्जेक्टिव, और मैनेजमेंट एक टूल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो उससे नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है रेशियो एनालिसिस। देखिए रेशियो एनालिसिस क्या होता है, रेशियो एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलते हैं और थ्योरी भी आती हैं रेशियो एनालिसिस होते क्या हैं, और रेशियो एनालिसिस जो कि हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला है कि अगर हम मतलब समझें कि रेशियो एनालिसिस होता क्या है, रेशियो एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो सिंपल अगर हम समझे तो रेशियो एनालिसिस क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है किसकी, फाइनेंशियल एनालिसिस स्टेटमेंट एनालिसिस की। मतलब एक ऐसी टेक्निक होती है या हम कहें ऐसा टूल होता है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को क्या करता है, ये प्रेजेंट करता है ठीक है। इट इज़ वाइजली यूज्ड टूल टू इंटरप्रेट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रेशियो एनालिसिस क्या होता है, ये वाइडली किस चीज़ में यूज़ होता है, ताकि क्वांटिटेटिव मींस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के में बता सके किस चीज़ के बारे में, वेरिएबल बिटवीन टू वेरिएबल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट अब रेशियो का मतलब समझते हैं। रेशियो को आपको तो पता होगा क्लास 8th 7th में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जो रेशियो होता है एक अर्थमेटिकल
एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिपेंडेंट आइटम्स, मतलब दो रिलेटेड इंडिपेंडेंट आइटम्स के बीच के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। अगर रेशियो एनालिसिस के हम मेरिट्स की बात करें, एडवांटेजेस की, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो ये क्या होता है इसके एडवांटेजेस की, तो ये होता है क्या कि अकाउंटिंग फिगर्स को सिंप्लीफाई करने में। पहला होता है यूजफुल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकता है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मींस जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, जो बैलेंस शीट बना रहे हैं, उसका क्या एनालिसिस है, ठीक है। दूसरा है यूजफुल इन सिंप्लीफाइंग अकाउंटिंग डेटा, ये अकाउंटिंग के जो कॉम्प्लिकेटेड डेटा होते हैं उनको सिंप्लीफाई और ईजी सिंपल बनाने में क्या करता है, ये मदद करता है। नेक्स्ट है इट इज़ यूजफुल इन असेसिंग द ऑपरेशन इफिशियंसी ऑफ द बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल इफिशियंसी यानी उनका काम, उनका ऑपरेशंस, उनको इफिशियंटली वो काम कर रहा है या नहीं, उसकी लिक्विडिटी पोजीशन जानने के लिए, सॉल्वेंसी पोजीशन जानने के लिए, टर्नओवर कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ों में भी हेल्पफुल करता है हमारा रेशियो एनालिसिस। नेक्स्ट एडवांटेजेस देखेंगे, इट इज़ यूजफुल फॉर फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग का मतलब यह कि ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस प्लानिंग में क्या करता है, ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है यूजफुल इन इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म, मतलब जो इंटर फर्म, आगे हम इसको डिटेल में समझेंगे, इंटर फर्म मतलब जो आउटसाइडर और इंटरनल एक्सटर्नल है उनके बारे में भी ये क्या करता है, एक एडवांटेजेस है। नेक्स्ट अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस की कमियां क्या हैं, अगर डीमेरिट्स बोला जाए तो पहला क्या है कि फॉल्स रिजल्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका सही है तो वो रिजल्ट सही आएगा, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है वहाँ पर आपका रिजल्ट जो हो जाएगा फॉल्स रिजल्ट आएगा, तो ये एक इसका डीमेरिट होता है। दूसरा है क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर इग्नोर्ड, मतलब जो भी क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं उसको हम इसमें नहीं लेते हैं, सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को ही कंसिडर्ड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो, मतलब कोई भी स्टैंडर्ड रेशियो नहीं जो बाकी किसी रेशियो से कंपेयर या हम मेज़र किया जा सके। नेक्स्ट इसका डीमेरिट है कि मे नॉट बी कंपेरेबल, कभी कभार क्या होता है इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल में अगर हम डेप्रिशिएशन लें। नेक्स्ट इसका डीमेरिट है इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, इट सिंपली मीन्स कि जो प्राइस लेवल चेंजेस होता है वो इसको हम इग्नोर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ रेशियो। देखिए टाइप्स ऑफ रेशियो जो होते हैं आपके चार होते हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, और लास्ट होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें किस चीज़ की, लिक्विडिटी रेशियो की, किसकी, लिक्विडिटी रेशियो की, सारी एक वन बाई वन हम लोग देखते चलेंगे। देखिए लिक्विडिटी रेशियो में क्या होते हैं, लिक्विडिटी रेशियो क्या देखता है कि हमारी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, ये बिजनेस के मतलब करंट जो अपनी करंट ऑब्लिगेशंस को मीट कर सके, मतलब ये एक स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस होता है, मतलब स्मूथ कंडक्ट फॉर बिजनेस एक्टिविटी, जिसमें कि ये हम लिक्विडिटी रेशियो को मेज़र करते हैं। इसमें दो चीज़ें आती हैं, करंट रेशियो और एक क्विक रेशियो। करंट रेशियो जो मोस्टली वाइज होता है ताकि हम जज कर सके, किस चीज़ को रिलेशनशिप बता सके करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ में। आइडियल रेशियो जो इसका होता है 2:1 होता है, जो कि फॉर्मूला होता है इसका, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। ये इसलिए कंप्यूट किया जाता है ताकि शॉर्ट टर्म जो फाइनेंशियल पोजीशन है एंटरप्राइजेस की वो पता लगा सके। अब इस सॉल्वेंसी रेशियो में क्या होता है, पहला होता है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, वन बाई वन सारे रेशियो को समझते हुए चलेंगे हम। दूसरा होता है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, तीसरा होता है प्रोप्राइटरी रेशियो, चौथा होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेक्स्ट होता है एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो की बात करें तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो।
प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेक्स्ट होता है नेट प्रॉफिट रेशियो, लास्ट होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पहला है करंट रेशियो। करंट रेशियो जस्ट मैंने बताया कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के बीच में डिफरेंस ये बताता है, रिलेशनशिप दर्शाता है। और इसका आइडियल जो रेशियो अगर हम बात करें तो 2:1 होता है, जो कि फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, जो कि इसको कंप्यूट किया जाता है ताकि इंटरप्राइजेस की फाइनेंशियल पोजिशन क्या है एक शॉर्ट टर्म पीरियड में। दूसरा है कि लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो की बात करें, इसको हम तीन नाम से जानते हैं, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। ये रिलेशनशिप बताता है किसी भी लिक्विड एसेट्स का किससे, करंट लाइबिलिटी से। इट एस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप ऑफ लिक्विड एसेट्स विद द करंट लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को कंप्यूट करने के लिए ये होता है आपका लिक्विड, जो कि इसमें आइडियल अगर हम क्विक रेशियो की बात करें तो ये कितना होता है, 1:1 होता है। नेक्स्ट है लिक्विड एसेट्स आर द एसेट्स जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सके लेकिन वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, जिसमें हमारे स्टॉक ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होती। ये बात अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा कि लिक्विड एसेट्स में दो चीज़ें हम इंक्लूडेबल नहीं करते हैं, एक स्टॉक होता है, एक प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, जो कि फॉर्मूला होता है क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। दूसरा रेशियो आता है, अगर हम सॉल्वेंसी रेशियो की बात करें, सॉल्वेंसी रेशियो जो कि क्या होता है, इसमें आता है पहला आपका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। क्या आता है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इट सिंपली मीन्स ये हुआ, यहाँ पर ये जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस मीन्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस को एसेस करना, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस को क्या करना, एसेस करना। रिलेशनशिप बताता है एक्सटर्नल इक्विटीज़ और इंटरनल इक्विटीज़ के बीच में। इसका आइडियल रेशियो कितना होगा, 2:1, जो कि एक्सटर्नल इक्विटीज़ में मीन्स बाहर की जो पार्टीज़ जो कि लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि बोरोइंग्स आउटसाइड्स, ठीक है, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो फॉर्मूला हो जाएगा डेप्ट अपॉन इक्विटी शेयर, डेप्ट अपॉन इक्विटी, इक्विटी मीन शेयर होल्डर फंड। दूसरा है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का मतलब ये सिंपली हुआ, इट रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल एसेट्स एंड द टोटल लॉन्ग टर्म डेप्ट्स ऑफ द एंटरप्राइजेस। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा आपका टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। क्या हो जाएगा, टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो जो रिलेशनशिप बताता है किसमें, प्रोप्राइटर्स के फंड में और टोटल एसेट्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। फॉर्मूला हो जाएगा प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। चौथा ही जो रेशियो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, रिलेशनशिप बताता है किसमें, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, जो कि फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। तीसरा होता है एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए किया जाता है ये रेशियो, ताकि हेल्प करता है। पहला है इसमें इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो देखें तो पहला है ये तेज़ी से क्या करता है टर्नओवर, मतलब ये देखा जाता है तेज़ी से टर्नओवर हो रहा है। टर्नओवर का मतलब ये हुआ कि सेल्स को सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और रिलेशनशिप किसके बारे में बताता है, ये बताता है आपका, जिसे हम इन्वेंट्री टर्नओवर भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक के बारे में रिलेशनशिप बताता है, जो कि फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक की बात करें तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। दूसरा होता है ट्रेड रिसीवेबल या डेटर्स टर्नओवर रेशियो, जिसे हम बोलते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल जो कि एक डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इसमें क्या होता है कि इसे हम रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, जो कि ये रिलेशनशिप बताता है किसी भी क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ द नेट क्रेडिट सेल्स और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, डेटर्स एंड बीआर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, डीटीआर, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। रिलेशनशिप बताता है किसमें, नेट क्रेडिट सेल्स और एवरेज डेटर्स के बारे में। तो एवरेज डेटर्स का फॉर्मूला या रिसीवेबल का क्या होता है, ओपनिंग डेटर्स अपॉन क्लोजिंग डेटर्स अपॉन 2। तीसरा होता है ट्रेड पेबल या क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो की हम बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि रिलेशनशिप बताता है पहला कि ये नेट क्रेडिट परचेस कितना हुआ और कितना टोटल या एवरेज पेबल हुआ, जिसमें कि फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल।
नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो होता है रिलेशनशिप बताता है हमारे किसके बीच में, ये बताता है वर्किंग कैपिटल और नेट सेल्स के बीच में, ये बताता है कि रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, जो कि फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो आपकी होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ होती है। नेक्स्ट रेशियो आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो बताता है वो किसी बिजनेस की मतलब कितनी इफिशियंसी इन बिजनेस टू मेज़र बाई प्रॉफिटेबिलिटी के थ्रू ही हम इसको इसकी इफिशियंसीज को क्या कर सकते हैं मेज़र कर सकते हैं। अगर पहला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में अगर हम बात करें तो पहला जो रेशियो होता है सबसे दैट इज़ योर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मीन्स ये एक फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। दूसरा बात करें नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो जो होता है ये रिलेशनशिप बताता है नेट प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। तो नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्या बताता है ये रिलेशनशिप बताता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट सेल्स में, जो कि फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तीन चौथा होता है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो जो कि रिलेशनशिप बताता है ऑपरेटिंग कॉस्ट नेट सेल्स में। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग जो रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। लास्ट होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI जिसे हम बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। इसमें क्या होता है रिलेशनशिप बताता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जहाँ पर विथ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फॉर्मूला होता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो ये आपके सबसे ज़्यादा जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस। ठीक, अब देखेंगे हम कि कैश बजट। जैसे 4 मार्क्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके आने ही आने हैं, जैसे कैश बजट हो गया, फ्लेक्सिबल बजट क्या हो गया, थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो गया। ठीक, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो डिफरेंस, एक क्वेश्चन आता है आपका डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होते हैं, आपके 20 या 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। पहला है डिफरेंस देखेंगे ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर डिफरेंसेस क्या है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू नो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिकली ये उद्देश्य रहता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो बैलेंस शीट है, उसके और फाइनेंशियल पोजीशन को जान सकें, इसलिए हम ये अकाउंटिंग करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का उद्देश्य होता है कि वो क्या है, मैनेजमेंट को बेटर डिसीजन ले सके, ये इसका उद्देश्य होता है। दूसरा डिफरेंस है नेचर ऑफ डेटा। डेटा का नेचर कैसा, हिस्टोरिकल डेटा यूज्ड होता है किसमें, आपका फाइनेंशियल में, और फ्यूचर डेटा को भी लेकर या कंसिडर करते हैं, कोई रिपोर्ट आई है जो कि डिमांड बढ़ने वाली है। तीसरा जो डिफरेंस है उसके बेसिस पे डिपार्टमेंट के बेसिस पे करेंगे कि बिजनेस को एज अ होल या सिंगल यूनिट कंसिडर करते हैं, और एज अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें हर एक डिपार्टमेंट या प्रोडक्ट वाइज रिजल्ट निकालते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है डिफरेंस अगर हम लीगली मैंडेटरी की बात करें तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता वो लीगली मैंडेटरी है, बनाना ज़रूरी होता है, ये बनाना ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि ये लीगल कंपलसरी नहीं है। पांचवा है आपका डिफरेंस ये है कि पीरियडिसिटी, मतलब एक टाइम पीरियड के लिए बनाते हैं, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम ये बनाते हैं। दूसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है वो इंटरनल प्रोसेस होता है, कोई पीरियड फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्यूरेसी चाहिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है नियर टू डाटा चल जाता है। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करें तो नेक्स्ट डिफरेंस होता है आपका क्या कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं मीन्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई सेट प्रोसीजर नहीं होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है ऑडिटिंग, फाइनेंशियल अकाउंट्स को ऑडिट किया जाता है क्योंकि किसी भी वाउचर्स और डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस्ड होता है, मैनेजमेंट अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, इसको ऑडिटिंग हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड या इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव स्किल्स एंड ये सारी चीज़ें।
नेक्स्ट है डिफरेंस पब्लिशिंग एंड रिजल्ट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिजल्ट्स हम पब्लिश कर सकते हैं, कंपनी के केस में मैंडेटरी है। वहीं अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें, इसको हम पब्लिश नहीं कर सकते और इंटरनल यूज़ के लिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि ब्रेक इवन पॉइंट BEP, जिसे हम समविच्छेद बिंदु बोलते हैं, कि ये पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन होता है जहाँ पर एट फॉर्म आइदर नाइदर अर्न्स नॉट प्रॉफिट एनी लॉस। समविच्छेद बिंदु वो बिंदु होती है जहाँ पे ना तो फर्म को लाभ होती है ना हानि होती है। इसको हम नो प्रॉफिट पॉइंट नो लॉस पॉइंट कहते हैं, जहाँ पर टोटल रेवेन्यू इक्वल होती है टोटल एक्सपेंडिचर के। अगर हम BUP कैलकुलेट करना है, उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपको हमारी जो स्पीड है अगर वो ज़्यादा तेज़ लग रही हो, तो आप इसको लो क्या कहते हैं नॉर्मल स्पीड पे, स्पीड स्लो करके भी आप इसे देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स कल हैं, तो लास्ट टाइम हम जल्दी जल्दी चीज़ों को रिवाइज़ करें। ताकि देखिए, दूसरा है कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट माइनस, अगर प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, लॉस है तो माइनस करेंगे। तीसरा है कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स इनटू PV रेशियो, दैट इज नेक्स्ट पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है तो सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब इस पे से आपके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। जैसे अगर हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन, तो सेल्स अगर आपका 150,000 दिए हैं, PV रेशियो 40% दिया है, तो क्या फॉर्मूला हमने जस्ट बताया कि कंट्रीब्यूशन जो होता है सेल्स इनटू PV रेशियो होता है। तीनों फॉर्मूले आपको याद करने ज़रूरी हैं। तो हम यहाँ पे रखेंगे 150,000 प्लस 40/100, C इज इक्वल टू 60,000, कट पट करेंगे तो ये आ जाएगा। दूसरा, अगर क्वेश्चन में आपके फिक्स कॉस्ट दिया रहे और प्रॉफिट भी दिया रहे, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे कि कंट्रीब्यूशन जो होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हुआ तो प्लस करेंगे, लॉस हुआ तो माइनस करेंगे। तो 40,000 प्लस 30,000 क्या हो जाएगा, 70,000, ठीक। एक और न्यूमेरिकल भी आ सकता है, जैसे अगर आपका फिक्स कॉस्ट दिया है और लॉस दिया है, तो लॉस के केस में मैंने बताया है माइनस करना है, तो फॉर्मूला रखेंगे कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो लॉस। 50,000 प्लस माइनस करेंगे 20,000, तो कितना आ जाएगा, 30,000। ये क्वेश्चंस आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइएगा कि इसका कितना आंसर आएगा। सबको इसका आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम, PV रेशियो, प्रॉफिट या वॉल्यूम रेशियो या PV रेशियो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द सेल्स एंड इज एक्सप्रेस जनरली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। प्रॉफिट या वॉल्यूम रेशियो वो रेशियो होता है कंट्रीब्यूशंस टू सेल्स का, जो जनरली हम परसेंटेज में निकालते हैं। ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है फॉर स्टडिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। ये सबसे एक इंपॉर्टेंट रेशियो होता है एक बिजनेस की ऑपरेशंस को स्टडी करने के लिए, यूजफुल टू कैलकुलेट द BEP। अब इसके लिए कौन कौन सा, इसके लिए आपको क्या है, BEP वाली रेशियो मैंने बता दी है। तो PV रेशियो जो होता है कंट्रीब्यूशन इंटू 100 अपॉन सेल्स। अब इसको हम या C इंटू 100 अपॉन S, या तो हो सकता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100, या फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इंटू 100 अपॉन सेल्स पर यूनिट। इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं कि आपके सेल्स अगर 80,000 है, वेरिएबल कॉस्ट 60,000, हमें क्या निकालना, PV रेशियो। तो फॉर्मूला हमारा कौन सा रहेगा, PV रेशियो, जिसमें सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो रखेंगे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 80,000 माइनस 60,000 अपॉन 80,000 इंटू 100, इसको कट पिट करेंगे तो PV रेशियो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। नेक्स्ट कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं कि सेल्स आपका 1 लाख दिया है, कि फिक्स कॉस्ट दिया 30,000, और आपका प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो आपका दिया है 20,000, PV रेशियो निकालना है। तो PV रेशियो का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो 30,000 प्लस 20,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, इसको कट पिट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 50,000। नेक्स्ट है ये न्यूमेरिकल भी आप देख लीजिएगा उसी तरह है, और एक न्यूमेरिकल आपको कमेंट में पिन करना है कि इसका आंसर कितना आएगा। अगर सेल्स आपके 2 लाख दिए हैं, फिक्स कॉस्ट दिए हैं 60,000 और प्रॉफिट दी हुई है आपकी 40,000। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा की सीमा जिसे हम बोलते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है एक डिफरेंस होता है किसका, टोटल सेल्स और BEP के सेल्स का। इट मे बी कैलकुलेटेड इन रुपीस यूनिट्स एज गिवन, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है। MOS अगर इन रुपीस दिया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो सेल्स माइनस BEP करेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन PV रेशियो। अगर यूनिट्स में कहता है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स, सेल्स यूनिट्स माइनस BEP यूनिट्स। दूसरा है कि MOS यूनिट्स की प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम बात करें
MOS हमें निकालना है परसेंटेज में मार्जिन ऑफ सेफ्टी में, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज MOS रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो भी कहते हैं। इसको निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू सेल्स हो जाएगा कि रेशियो इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन टोटल एक्चुअल सेल्स इंटू 100। इंपॉर्टेंस क्या है इसके कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के इंपॉर्टेंस ये होते हैं कि सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करता है, ठीक है, इंक्रीज इन सॉरी प्राइस को इंक्रीज इन सेटिंग प्राइजेस। दूसरा इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि ये वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। तीसरा है रिडक्शन इन फिक्स्ड और द वेरिएबल कॉस्ट, बोथ फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में रिडक्शन करता है या दोनों में, ठीक। इस पे भी न्यूमेरिकल आपके आ सकते हैं, न्यूमेरिकल में देखेंगे कि जैसे पहला न्यूमेरिकल दिया है कि सेल्स आपके 7 लाख दिए हैं, बीईपी दिया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, तो हमने फॉर्मूला भी जस्ट बताया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है वो सेल्स माइनस बीईपी होता है। तो 5 लाख माइनस 6 लाख अगर हम यहाँ सॉरी 7 लाख करेंगे तो कितना आ जाएगा, नोट अमाउंट ऑफ सेल्स इज लेस देन बीईपी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि जो अमाउंट ऑफ सेल्स होगा वो लेस देन होना चाहिए बीईपी से, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 6 लाख और यहाँ 7 लाख है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। दूसरा है सेल्स अगर 10 लाख है, फिक्स कॉस्ट 2 लाख दिया है, पीवी रेशियो दिया है, तो फार्मूला हम रखेंगे बीईपी का कि फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, मैंने यहाँ पे 2 लाख अपॉन 40 × 100 करेंगे तो कट फिट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50,000 आ जाएगा, उसके बाद इसे फार्मूले पे पुट करेंगे ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट में करना है पिन कि अगर प्रॉफिट दी हुई है 15,000, पीवी रेशियो दिया 40%, तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा। ठीक, ब्रेक इवन पॉइंट, ये सारे फॉर्मूले तो मैं हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज सेल्स बीईपी, फिक्स कॉस्ट इनटू सेल्स इनटू अपॉन कंट्रीब्यूशन, ये तो मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है जैसे जीरो बेस बजटिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। शून्य आधार बजटिंग, मतलब बजट एक ऐसा टूल होता है, पहले हम बजट की मीनिंग को समझेंगे कि बजट एक ऐसा टूल होता है जिसके अंदर पहले से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि फ्यूचर में कितने एक्सपेंसेस होने हैं, कितनी इनकम होनी है, कितने सेल्स होने हैं, परचेस कितनी होनी है, पहले से ही फ्यूचर में होने वाली एक्सपेंसेस या नीड्स या डिमांड का पता या अंदाजा लगा लेना उनके लिए कि एक अमाउंट सेट कर लेना एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, कि उसे हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। मतलब ज़ीरो बेस बजटिंग का मतलब जो हम बजटिंग करने जा रहे हैं उसको हमने बेस क्या माना, हमने पहले से कोई बेस नहीं लिया, हम उसको ज़ीरो मान के चलते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो बेस बजटिंग। मतलब पास्ट हिस्ट्री, पास्ट एक्सपेंसेस को देखकर, नीड को देखकर सेट किया जाता है। तो ज़ीरो बेस बजटिंग क्या होता है, इट इज़ अ बजटिंग ऑफ अ टेक्निक दैट एलोकेशंस फंडिंग बेस्ड ऑन इफिशियंसी एंड necessity rather than an budget history. It is the method of budgeting in which all expenses must be justified and approved for each new period. देखिए ज़ीरो बेस बजटिंग सबसे पहले पीटर ए पायर ने जो कि 1969 में जो कि कहाँ के थे, अमेरिका के थे, और सबसे ये लेटेस्ट टेक्निक है बजटिंग का जिसमें हम बेस इसका जो है ज़ीरो मानकर लेते हैं। एग्ज़ाम में इससे आपके क्या इसके स्टेप्स पूछे जाते हैं, इसके प्रोसेस पूछे जाते हैं और इसके लिमिटेशंस। तो प्रोसेस स्टेप्स हैं क्या कि ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं, कहाँ कहाँ पर अप्लाई करना है, आइडेंटिफिकेशन करते हैं डिसीजन यूनिट्स के, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है जिसे आप देख लीजिएगा। जैसे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके जैसे क्या हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर हम सिंपल में जाने, ये एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होता है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होता है, ये प्रोडक्शन से पहले ही डिसाइड कर ली जाती है कि किस प्रोडक्ट में क्या कॉस्ट आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ABC लिमिटेड है, एज एग्जांपल हम लेते हैं ABC लिमिटेड है, वो क्या करती है, शर्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, क्या करती है, शर्ट्स की मैन्युफैक्चर करती है। मैंने कहा कि 100 शर्ट्स को हमें मैन्युफैक्चर करना है, एक शर्ट को बनाने में हमें कितना लग रहा है, 2 मीटर। अभी हम ये सोच रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि हमें 100 शर्ट्स का मैन्युफैक्चर करना है, मान लो एक शर्ट पर हमें 2 मीटर कपड़ा लग रहा है, और 1 मीटर के कपड़े का दाम कितना है, 100 रुपये, तो एक शर्ट का दाम कितना हो गया, 2 × 100, 200, तो 100 शर्ट का दाम कितना हो जाएगा, 200 × 100। अभी हम क्या रहे हैं, सोच रहे हैं,
मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट ये होता, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होता, प्रोडक्शन से पहले डिसाइड कर ली जाती है कि प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट होनी चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, ये तो हमने सोचा लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में ये हुआ कि एक शर्ट को बनाने में 3 मीटर कपड़े लग रहे हैं, और जबकि 1 मीटर का कपड़ा कितना है 100 रुपये, तो हमें बनाने कितने, तो एक शर्ट जो है में कितने रुपए लगेंगे 300, तो 100 शर्ट बनाने में हमें कितने लगेंगे 100 × 300, तो कितना हो जाएगा 30,000। तो हमने कितना यहाँ पर कितना लग रहे थे 20,000, तो ये जो 20,000 अमाउंट थी ये कौन सी अमाउंट हो जाएगी, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये क्या थी एक्चुअल, एक्चुअल में लग कितना रहा 30,000, और हमने स्टैंडर्ड मानी कितनी थी 20,000। तो देखो जो हम सोचते हैं एस्टिमेट करते हैं प्रोडक्शन पे कि इतना कॉस्ट लगेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट। और यही जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है और एक्चुअल कॉस्ट, इसी के इसका डिफरेंस कितना है 10,000, 30,000 − 20,000 कितना आ गया 10,000। ये इसका जो डिफरेंस आया इसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से बोलते हैं, वेरिएंस। इसी को क्या बोलते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। अब देखिए वेरिएंस जो वेरिएंस अब हम समझते हैं, वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब क्या हुआ, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल का मतलब अनफेवरेबल मतलब सोचा था हमने कितना 20,000, लगा कितना 30,000, तो इसी के डिफरेंस को हमने क्या कहा 10,000 का डिफरेंस आया। तो जब भी हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे तो रियलिस्टिक होनी चाहिए, एनालिसिस करके क्या करना चाहिए, सेट करना चाहिए। स्टेप्स होते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, स्टेप्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं ये सारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिटरमाइंड करना पहला स्टेप। दूसरा रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट की रिकॉर्डिंग। तीसरा स्टेप होता है एक्चुअल और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच में कंपैरिजन, में कंपैरिजन। चौथा स्टेप ये होता है फाइंडिंग आउट ऑफ वेरिएंसेस, कितना वेरिएंस आया, कितना चेंज आया, कितना डिफरेंस आया। लास्ट होता है रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंस, मतलब उसको कंट्रोल किया। ठीक है, ये इसके स्टेप्स होते हैं। तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस एनालिसिस भी आपका एक चैप्टर है, कि वेरिएंस वो अमाउंट होती है जिससे किसी भी चीज़ में जो चेंज आ रहा है उसे हम वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो वेरिएंस होता है 3 तरह के होते हैं, टाइप्स, पहला होता है मटेरियल, दूसरा होता है लेबर वेरिएंस, तीसरा होता है ओवरहेड वेरिएंस। ठीक, मटेरियल वेरिएंस किसको कहेंगे, एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, मटेरियल वेरिएंस बोलेंगे। ठीक, अब इसी मटेरियल वेरिएंस में 2 होते हैं, एक होता है आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस और एक होता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, जिसमें मिक्स वेरिएंस होते हैं और कुछ यील्ड वेरिएंस होते हैं। ठीक है, और वेरिएंस ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। और क्या है आपकी, जैसे 4 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है परफॉर्मेंस बजटिंग,
परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होती है? परफॉर्मेंस बजटिंग हो जाएगी आपकी, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे मदों पे खर्चा करती है। मीन्स हम सिंपली बोलें कि सरकार के द्वारा जो विभिन्न मदों पे खर्चे की जाने वाली, ठीक है, की जाने वाली जो अमाउंट होती है उससे हम क्या मतलब उसके ऑब्जेक्टिव्स पे जोर दिया जाता है, ताकि सरकार जनता के लिए क्या कर सके, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस बजटिंग। ठीक है, मींस गवर्नमेंट जो बहुत सारी चीज़ों पे खर्चा करती है, जो आपके एजुकेशन्स पे, जो ये आपके हेल्थ पे, जो आपके जो हॉस्पिटल्स हैं, जो ये गवर्नमेंट की जितनी भी फैसिलिटीज़, जो सेवाएं हैं, वो सारी चीज़ों पे जो भी खर्चे करती हैं, दैट इज़ परफॉर्मेंस बजटिंग। नेक्स्ट है एक प्रोडक्शन बजटिंग भी होता है, इंपॉर्टेंट काफ़ी, प्रोडक्शन बजट। मतलब प्रोडक्शन बजट का मतलब अगर हम सिंपल से, हमें कितनी प्रोडक्शन यूनिट्स की ज़रूरत है, ठीक है, मतलब एक अगर हम प्रोडक्शन बजट का मतलब समझे, एक ऐसा टूल या टेक्निक कहें जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है ये एस्टिमेट करने के लिए कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऑर्गेनाइजेशन के कितनी प्रोडक्शन कर सकती हैं या कितनी करनी चाहिए, ताकि उसके जो कस्टमर क्या हो, डिससेटिस्फाई ना हो, उसके पास अदर प्रोडक्शन है, स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक बचा रहे, ठीक है। तो ये होता है आपका, जैसे एक और हो गया आपका सेल्स बजट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चार नंबर में आते हैं। मतलब सेल्स बजट एक ऐसा टूल या टेक्निक है जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है ये फ्यूचर की सेल्स को प्रिडिक्ट या प्लान करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्स बजट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप कहता है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो हम क्या बोलते हैं, कोष प्रवाह विवरण। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोष प्रवाह विवरण। कहता है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। फंड का क्या मतलब होता है, फंड का मतलब होता है इनफ्लो फ्लो और आउटफ्लो शो करना। ठीक है, फंड का मतलब होता है इनफ्लो और आउटफ्लो शो करती है। ठीक है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या था कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो शो किया जाता था। ठीक है, फंड का मतलब होता है कि नेट वर्किंग कैपिटल, मीन्स फंड मीन्स होता है कि कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी क्या होती है, वर्किंग कैपिटल जो होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम पहला पॉइंट कहता है, इसे हम स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज भी कहते हैं और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स भी कहते हैं। ठीक है, इट शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स। फंड्स मीन्स नेट वर्किंग कैपिटल, कितनी कार्यशील पूंजी है, और नेट वर्किंग कैपिटल जो होती है हमारी, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज होती है। सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड मीन्स इसे हम क्या कहते हैं, इनफ्लो ऑफ फंड। हमारे पास क्या है, फंड आ रहा है। ठीक है, जो इनफ्लो ऑफ फंड्स का मतलब हुआ कि हमारी वर्किंग कैपिटल क्या है, इंक्रीज हो रही है। वहीं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का मतलब हुआ आउटफ्लो ऑफ फंड, हमारे पास से फंड जा रहा है, हमारी डिक्रीज हो रही है वर्किंग कैपिटल। मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है, तो वो हम उसे क्या कहेंगे, आप बढ़ रही है, आपके पास आ रही है, तो वो क्या होगा, इनफ्लो ऑफ फंड। और कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल बाहर जा रही है या कम हो रही है, तो वो क्या हो गया, आउटफ्लो ऑफ। इनफ्लो ऑफ फंड्स को हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ फंड, किस किस सोर्सेज से हमारे पास फंड्स आ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का मतलब किस किस सोर्सेज से हमारे पास क्या है, बाहर जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं फंड्स। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। टू स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अ मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फंड फ्लो एनालिसिस। दो स्टेटमेंट हम बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में, दो, एक शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में कितना चेंज आया वो बनाते हैं, और दूसरा जो हम प्रिपेयर करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, पहला जो बनाते हैं शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, एंड दूसरा बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो पूरे का मतलब क्या हुआ कि फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड का मतलब ये हुआ कि कितना नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है, और फंड का कितना इनफ्लो और आउटफ्लो है, कितना हमारे पास फंड आए, कि क्या क्या सोर्सेज हैं, और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स को क्या बोलेंगे, आउटफ्लो ऑफ फंड्स। ठीक है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम ये देखते हैं कि
कि किन ट्रांजैक्शंस की वजह से वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है और घट रही है, और इसे ही हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है शेड्यूल ऑफ चेंज इन, पहला जो मेथड हम प्रिपेयर करते हैं उसे हम कहते हैं शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्या दिखाता है, इट शोज नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इन अ पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड में कितनी हमारी वर्किंग कैपिटल में बढ़ा है, कितना घटा है, और वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होते हैं, ठीक है, पहला कहता है कि इंक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर हमारी करंट एसेट्स बढ़ेगी तो क्या होगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कहा ना फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। एज हम मान लेते हैं करंट एसेट्स आपके पास 10,000 है, ठीक है, और आपके पास करंट लाइबिलिटी है 5,000, ठीक है, तो 10,000 में से 5,000 गया तो कितना बचा, 5,000, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, जब हमारी करंट एसेट्स बढ़ रही है तो वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। दूसरा है डिक्रीज इन करंट एसेट्स, तो इन डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, अगर करंट एसेट्स डिक्रीज होती है तो उससे वर्किंग कैपिटल भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, अगर करंट लाइबिलिटी आपकी बढ़ती है तो उससे वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज देन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, करंट लाइबिलिटी घटती है तो हमारी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, तो इससे वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट है नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज आर नॉट शोन टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है, कहता है कि इस शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में जो हम मेथड है प्रिपेयर करने का, इसमें हम सिर्फ क्या लेते हैं, इसमें हम सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं, इसमें हम नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को नहीं दिखाते इस अकाउंट में, ठीक है। अब ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन देयर आर सम ट्रांजेक्शन्स विच डू नॉट अफेक्ट वर्किंग कैपिटल। अब हम कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स की बात करेंगे जो हमारे वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी पर अफेक्ट नहीं डालते हैं। पहला कहता परचेज मशीनरी एंड इशू ऑफ शेयर्स टू द वेंडर। अब कुछ ऐसे हैं, ठीक है, पॉइंट्स, तो पहला कहता है परचेज मशीनरी एंड इशू ऑफ शेयर टू द वेंडर। क्या कहता है, अगर मशीनरी हमने खरीदी, मशीनरी क्या है, एक तरह की फिक्स असेट्स है, ठीक है, तो और क्या कह रहा है, शेयर जो है आपका, यानी क्या है, शेयर कैपिटल या क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर कोई फ्लो ऑफ फंड नहीं हुआ, ठीक है, तो ये क्या है, हमारी वर्किंग कैपिटल पर अफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा है क्रेडिटर्स वर्थ रुपीज 15,000 पेड इन कैश, 15,000 क्रेडिटर्स आपने पे कर दिया, तो यहाँ क्या हुआ, करंट एसेट्स भी 15,000 से कम होगा और करंट लाइबिलिटीज भी 15,000 से कम होगा, तो यहाँ भी क्या होगा, कोई फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा, नो फ्लो ऑफ फंड, वर्किंग कैपिटल क्या रहेगी, सेम रहेगी। तीसरा है कौन सा, डिबेंचर्स कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट करना है, तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, डिबेंचर्स, ठीक है, तो दीस ट्रांजैक्शंस रिजल्ट इज नो फ्लो ऑफ फंड। इन तीन ट्रांजैक्शंस के, जो तीनों ट्रांजेक्शन्स दिए हैं कि परचेज मशीनरी वाला और दूसरा जो है आपका 15,000 रुपये क्रेडिटर्स को पे किया और डिबेंचर्स, ये तीन ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिसका नो फ्लो ऑफ फंड कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। एग्ज़ाम में ऐसे दे सकते हैं कि चार ऑप्शन दे देंगे, कहेंगे कि कौन सा ट्रांजेक्शन्स जो है फ्लो ऑफ फंड में नहीं आता है, ठीक है, तो उसे टिक करना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब क्या प्रोसीजर है प्रिपेयर करने का फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, क्या प्रोसीजर है देखते हैं। दूसरा प्रोसीजर हमने पहला पढ़ लिया, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है, दूसरा है प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमने बताया दो चीज़ों को शो करते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड का मतलब फंड्स कि किस किन किन सोर्सेज से हमारे पास आ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का मतलब कहाँ से फंड्स अप्लाई हुए, ठीक है, कौन कौन अप्लाई करने हैं। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स में पहला फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, इशू ऑफ जितने शेयर्स हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स, रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और नॉन ट्रेडिंग रिसीट्स।
नॉन ट्रेडिंग रिसीप्ट में डिविडेंड रिसीप्ट, रेंट रिसीप्ट एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो आ रहे हैं हमारे पास सोर्सेज। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में बात करता है कि लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नॉन ट्रेडिंग पेमेंट, एग्जाम्पल जैसे प्रपोज डिविडेंड इज कंसिडर्ड एज अ नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, आई एम पेइंग इट विल बी एन एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो हमने दो मेथड से प्रिपेयर किए जाते हैं फंड फ्लो एनालिसिस, पहला शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल और दूसरा प्रिपेयरिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या दिखाते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, और शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में हम क्या दिखाते हैं कि नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये आप लोग को पूरा समझ में आएगा कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कि फंड का कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ। ठीक है, फंड का कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ मीन्स हमारी वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस आए। ठीक है, उसे हम फंड बोलते हैं। ठीक है, तो यही होता है कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल बाहर जा रहा है तो उसे हम आउटफ्लो कहते हैं, और आ रहा है और आपके पास फंड आ रहा है तो हम इसे इनफ्लो कहते हैं। ठीक है, तो यही टोटल था आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट में बेसिक कंप्लीट। ठीक है, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बचेंगे, सोर्सेज ऑफ फंड्स में कौन कौन से आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस उठा के देंगे। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि फंड फ्लो स्टेटमेंट होते क्या है, इसको दो मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल एंड प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। ओके, थैंक यू।